दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम को हम पूरा समझने वाले हैं। नंबर सिस्टम का दो पार्ट होने वाला है, ये पार्ट ए है और पार्ट बी भी आएगा, जो जिसमें पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में पहला आता है, पहला जो इसका भाग होता है वो होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट, क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए गिनते हैं हम किसी चीज को तो क्या कहते हैं? जीरो, एक, दो, तीन, चार, ऐसे तो नहीं गिनते। ऐसे में तो हमारे चार ही उंगली होते, लेकिन है हमारे पास कितने? पांच उंगली है। तो इसलिए हम गिनती कहां से करते हैं? गिनती जब भी शुरू होती है कहां से शुरू होती है? तो एक से शुरू होती है। जैसे मान लेते एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, और ये इन्फिनाइट अनंत तक जाते रहेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, रेशनल नंबर। अब देखिए एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है 10 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें। और ये भी नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कि हिंदू अरबी यानी कि 10 हिंदू अरबी लगातार संख्याओं की औसत ज्ञात करें। तो ये हिंदू अरबी संख्या क्या होता है? तो देखिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? नेचुरल नंबर का दूसरा नाम होता है हिंदू, हिंदू अरबी नंबर। ठीक है, इसे कहा जाता है, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं हिंदू अरबी संख्या। ठीक है, एग्जाम में हमें यह पूछा जाता है कि 10 लगातार हिंदू अरबी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो हमें क्या निकालना है? 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछता है, इनडायरेक्टली पूछता है। ठीक है, तो हमें यह निकालने के लिए आना चाहिए। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए अगला जो होता है, ये तो हो गया। अब देखिए अगला जो होता है होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब देखिए इस संख्या को आप पढ़िएगा, इसको आप पढ़िएगा तो होल नंबर लिखा गया। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, यानी कि सभी संख्या, यानी कि गिनती की संख्या में हम जीरो को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो गिनती की संख्या कहाँ शुरू होती है? एक से, और उसी में हम जीरो ऐड कर देंगे। जैसे जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, और ये इस तरह से जाते रहेगा। ठीक है, अनंत तक। तो इसे क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। यानी कि जो गिनती की संख्या के प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और नेचुरल नंबर को ही क्या कहा जाता है? हिंदू अरबिक अरबी नंबर का संख्या कहा जाता है। ठीक है, और होल नंबर किसे कहा जाता है? गिनती की संख्या में, यानी कि हिंदू अरबी नंबर में जीरो को ऐड कर देने से क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, आई होप कि आप सभी ये समझ गए होंगे। अब चलिए तीसरा जो होता है, तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है इवेन नंबर, तीसरा होता है इवेन नंबर। इसको हिंदी में कहा जाता है सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, तो देखिए सम संख्या का मतलब क्या होता है? जो दो से विभाजित होने वाली हो संख्या, यानी कि दो से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, समझे? जैसे जैसे मैं यहां पे मान लेते हैं
दो से विभाजित कौन संख्या होगा? एक होगा, कभी दो से विभाजित नहीं होगा, एक तो एक ही से विभाजित होगा। दो से कौन कौन संख्या होगा? तो दो होगा, चार होगा, छह होगा, यानी कि दो की खाक पारा जो होता है उसमें जो भी आता है वो दो से विभाजित ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं जिसके इकाई स्थान पे जीरो, दो, चार, छ, आठ इस तरह से हो, ठीक है, तो आठ, दस, इटीसी, ठीक है। इस तरह इसको कैसे बोल सकते हैं? तो जिसकी इकाई स्थान पे जीरो, दो, चार, छ, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह इस तरह की संख्या हो, तो वो क्या हो जाएगी? दो से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगी, और दो से विभाजित होने वाली संख्या सभी संख्या सम संख्या कहलाते हैं, इवेन नंबर कहलाते हैं, ठीक है। यहां तक आप समझ गए? अब चलिए तीन हो गया, अब चलिए चार की ओर। तो चार नंबर में हमारे पास आता है, क्या आता है? तो ओड नंबर आता है, ठीक है, ओड नंबर ओड नंबर को हिंदी में कहा जाता है विषम संख्या। जो सम नहीं हो उसे विषम कहेंगे। ऐसा होगा नहीं, तो कैसा होगा इसका डिफिनेशन? तो डिफिनेशन होगा इस तरह से कि दो से विभाजित न होने वाली संख्या क्या होगी? तो विषम संख्या होगी। जो दो से विभाजित होगी वो इवन नंबर सम संख्या कहलाएगी, जो दो से विभाजित नहीं होगी वो ओड नंबर यानी कि क्या कहलाएगी? ओड नंबर यानी कि विषम संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल में क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल में हो जाएगा दो से विभाजित नहीं होने वाली, एक दो से विभाजित नहीं होती है, तीन दो से विभाजित नहीं होती है, पांच दो से विभाजित नहीं होती है, सात दो से विभाजित नहीं होती है, इस तरह से हो जाएगा बहुत सारी संख्या, ठीक है। अब देखिये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसके बाद से आता है, ये सब चीज छोटा छोटा था। अच्छा पांचवी की ओर चलते हैं, चार हो गया पांच। अब पांचवा जो है, पांचवा आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब वो होता है जिसका पूरा पूरा वर्ग निकल जाए, ठीक है, क्या निकल जाए? पूरा पूरा वर्ग निकल जाए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक, तो एक का हम वर्ग निकालेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? एक होगा, ठीक है। दो का स्क्वायर चार होगा, तीन का स्क्वायर नौ होगा, चार का स्क्वायर सोलह होगा, पांच का स्क्वायर पच्चीस होगा, छः का स्क्वायर छत्तीस होगा, इस तरह से सात का स्क्वायर उनचास होगा। इस तरह से देखिए पूरा पूरी वर्ग निकल जाता है, ठीक है। दो का स्क्वायर चार, पांच का स्क्वायर पच्चीस, इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? तो वे संख्या जिसका कंप्लीट स्क्वायर निकल जाता है उसे ही क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। आप यहां तक समझ गए? अब चलिए छठा की ओर। तो छह नंबर में जो आता है वो आता है परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब का हिंदी होता है पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या। क्या होता है? पूर्ण घन संख्या। ये उस तरह का संख्या होता है जो जिसका क्यूब पूरा पूरी कंप्लीट निकल जाए। जैसे देखिए यहाँ पे एक है, एग्जांपल में ले लेते हैं एक, एक का क्यूब निकालेंगे तो एक होगा, ठीक है। दो का क्यूब आठ होगा, तीन का क्यूब सत्ताईस होगा, ठीक है। आठ का क्यूब चार का क्यूब 64 होगा, ठीक है, और पांच का 125 होगा। इस तरह से देखिए पूरा पूरी निकल जा रहा है। क्यूब हम निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या निकल जाएगा? पूरा पूरी क्यूब निकल जाएगा, ठीक है।
अब चलिए सातमा की ओर। यहाँ तक आप समझ गए, आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, ठीक है? तो देखिए, पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसे क्या कहा जाता है, हिंदू अरबिक नंबर भी कहा जाता है। उसके बाद पढ़े होल नंबर, पूर्ण संख्या। हिंदू अरबी संख्या में जीरो ऐड कर देने से क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बनता है। या फिर ऐसे कहेंगे कि गिनती की संख्या में जीरो जोड़ देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। फिर पढ़े इवेन संख्या, इवेन नंबर। इवेन नंबर को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण इवेन नंबर को सम संख्या कहा जाता है, ठीक है, जो दो से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाता है, सम संख्या। उसके बाद पढ़े ओड नंबर, ओड नंबर क्या होता है, विषम संख्या होता है, जो दो से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद पढ़े परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, जिसका परफेक्ट यानी कि कंप्लीट स्क्वायर निकल जाए उसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। उसके बाद पढ़े परफेक्ट क्यूब, क्यूब नंबर, ठीक है, जिसका परफेक्ट क्यूब निकल जाए यानी कि पूरा पूरा क्यूब निकल जाए उसे क्या कहेंगे, परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। अब चलिए अगला, यहाँ पे छह नंबर तक हो गया था, अब सात नंबर में चलते हैं। तो देखिए सात नंबर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, आभास संख्या इसे कहते हैं हिंदी में, अबाध संख्या, ठीक है। तो देखिए अबाध संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसकी केवल दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है, ऐसी संख्या जिसकी केवल दो गुणनखंड होता है वो उसे क्या कहते हैं, अबाध संख्या। अब कौन कौन सा दो गुणनखंड होते हैं, तो एक और स्वयं, क्या होता है, एक और स्वयं। एग्जाम्पल में एक और स्वयं क्या होता है, एक और स्वयं, एक और स्वयं का मतलब क्या है, जैसे देख लीजिए पांच है, ठीक है, तो देखिए पांच का गुणनखंड क्या है, पांच में हम किस किस संख्या से भागा देंगे, तो देखिए पांच में तो एक से भागा दे सकते हैं जो पूरा पूरी कट जाएगी, यानी कि पांच पांच से पांच में पांच मर्त में भागा दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और एक कर सकते हैं पांच से, अगर दो से करते हैं तो शेषफल क्या होता है, कटता है, शेषफल बच जाता है, अधीन शेषफल बच जाता है, ठीक है, शेषफल हमें जीरो लाना है। जैसे देख लीजिए छः, तो छः का देखिए एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा और छः भी होगा, तो इसका कितना सारा हो गया, चार हो गया, तो ये कहलाएगा प्राइम नंबर, नहीं कहलाएगा, ठीक है, तो ये नहीं कहलाएगा। जैसे ग्यारह हो गया, तो देखिए एक और ग्यारह स्वयं है, ठीक है, और ये नहीं है, स्वयं और एक के अलावा और कोई संख्या से विभाजित नहीं होने वाली संख्या अबाध संख्या, प्राइम नंबर कहलाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आता है कि एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम जवाब देंगे कि एक प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, तो देखिए एक हम लिखते हैं यहाँ पे, एक एक में हम क्या, एक के अलावा और किसी संख्या से भागा दे सकते हैं, तो स्वयं के अलावा एक और संख्या से यानी कि एक से भाग देना चाहिए, होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, एक प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है जैसे, में यहाँ पे इसका जैसे देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल दो से शुरू होता है, सबसे छोटी प्राइम नंबर पूछी जाए तो क्या होती है, दो होती है, सबसे छोटी प्राइम नंबर दो होती है, दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए दो ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो सम और विषम दोनों है, देखिए दो क्या है, सम और विषम संख्या दोनों है, ठीक है। अब विषम संख्या कैसे है, तो हमने आपको बताया कि क्या है, विषम संख्या दो में पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, शेषफल बच जाता है, इसलिए तो दो क्या है, सम और विषम संख्या दोनों है। अब पूछा जाएगा सबसे छोटी अबाध संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम अबाध संख्या क्या है, तो तीन है, सबसे छोटी विषम अबाध संख्या क्या है, तो तीन है। अब लिख देते हैं सबसे छोटी अबाध विषम संख्या,
क्या होता है, 3 होता है, ठीक है, इस तरह से समझ गए। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे छोटी, अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 50 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 1 से लेकर 50 के बीच में कितने हैं, 15 है। आइए हम यहाँ पे लिख के भी बता देते हैं आपको, यहाँ पे ही लिखते हैं कौन कौन होता है, तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 23 होता है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद 29 हो जाएगा, उसके बाद 31, 37, 41, 43 और 1 हो जाएगा 47, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 15 हो गया, ठीक है। तो 15, 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 होती है, ठीक है। अब पूछा जाएगा 50 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, क्या पूछा जाएगा कि 50 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो कितनी अभाज्य संख्या है, टोटल 10 अभाज्य संख्या है। अब कौन कौन सा 10 है, तो हम आगे लिखते हैं, पहला 53 से शुरू होता है, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, उसके बाद 83, 83, उसके बाद 89, उसके बाद आता है 97 यानी कि 97। इसको जोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना है टोटल 10। और पूछा जाएगा अगर 1 से लेकर 100 के बीच कितनी है, तो 15 तो यहां तक में है 1 से 50 तक में, और 10 है 50 से 100 तक में, टोटल हो जाएगा 25, ठीक है। अब चलिए हम अगला संख्या की ओर चलते हैं, जो है कॉम्पोसाइट नंबर। तो देखिए अगला है कॉम्पोसाइट नंबर, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है भाज्य संख्या, क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या। 2 से ज्यादा गुणनखंड वाली संख्या को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो, ना तो 2 से कम हो, ना तो 2 हो, और 2 से अधिक हो, ठीक है। तो जैसे में, जैसे क्या होता है, तो जैसे में यहां से सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक है, ठीक है, 4, फिर होता है 9, 6, 8, 10, 12, 14, 15, इस तरह से होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सबसे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ये इस सब का क्या है, 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, तो लिख देंगे यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सबसे छोटी, छूट गया, भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। अब देखिए 1 क्या है, अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे 1 क्यों नहीं है, तो देखिए 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। 1 ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। अब 1 आता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। इसको कहा जाता है 100 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसका जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ हम निकालेंगे यानी कि महत्तम समाहरण निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे में 2 और 7, 2 7 का निकालेंगे तो 1 आएगा, मौसम निकालना है 2 और 7, 1 5 का मौसम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अधीन, हाँ, 1 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 100 अभाज्य संख्या, ठीक है। 24 और 23 ले लो, 24, 23, लेकिन यहीं पर हम ले लेंगे 12,
और 27। तो देखिए 12 तीन से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। इन दोनों संख्याओं को कटना है लेकिन एक से कटना है, और कोई संख्या से दोनों नहीं कट सकता है। जैसे देखिए एक में एक से भाग देंगे कट जाएगा, 5 में एक से भाग देंगे कट जाएगा। तो एक से दोनों संख्या तो कट रहा है ठीक है, लेकिन 5 से दोनों कट रहा है नहीं कट रहा है, 2 से दोनों कट रहा है नहीं कट रहा है, लेकिन इसमें देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ये सौ अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे 16, 25 ठीक है, ये हो जाएगा 93 और 31। देखिए 31 दिया कितना होता है, 93 होता है, तो ये नहीं होगा ठीक है। इसके बाद 49, 35 ये हो जाएगा। तो इस तरह की संख्या क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर, यानी कि सौ अभाज्य संख्या, वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका जिसका मौसा क्या हो, एक हो, जिसका मौसा एक हो, तो ये हो गया। अब चलिए हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं ताकि आपको याद हो। कंपोसाइट नंबर, कंपोसाइट नंबर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसका यानी कि गुणनखंड क्या हो, एक से अधिक, दो से अधिक हो ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को, प्राकृतिक गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसको इसका दूसरा नाम है हिंदू अरबिक नंबर, हिंदू अरबिक संख्या। पूछा जाता है क्वेश्चन कि 10 लगातार हिंदू अरबिक नंबर का औसत ज्ञात करें, तो हम ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से। होल नंबर पूर्ण संख्या कहलाता है, गिनती की संख्याओं में 0 जोड़ देने से क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या को, इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहा जाता है। सम संख्या की शुरुआत 2, 4, 6, 8, 10 से होती है, और नंबर विषम संख्या होती है, ऐसी संख्या होती है जिसका 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 6, 7। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके बाद आता है, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि जिसका पूरा पूरा वर्ग निकल जाए, तो 1, 4, 9, 16 इस तरह की संख्या आती है। परफेक्ट क्यूब नंबर आता है, जो परफेक्ट पूर्ण घन संख्या कहलाता है, जिसका घन क्यूब पूरा पूरी निकल जाए, जैसे 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा। उसके बाद आता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या ठीक है, एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, उसे कहा जाता है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या ठीक है। एक संख्या, एक ऐसा संख्या है जो प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होती है, 1 से 50 कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 होती है। कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 31, 37, 41, 43 होता है। 50 और 100 के बीच 10 होता है। 53, 59, 61, 67, 73, 79, 83, 89, 97 ठीक है। और 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 होता है। कितना होता है, 25 अभाज्य संख्या होता है ठीक है। आई होप कि आप सबको ये सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।